क्या नहीं रहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम? क्या दाऊद इब्राहिम को दे दिया गया जहर? खबर पाकिस्तान से आई, दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके बाद अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आया। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बताया तो ये भी जा रहा है कि दाऊद की मौत हो गई है, इसलिए हमें लगा कि इस पूरे मामले को हम आपको समझा देते हैं। दरअसल खबरें ये आ रही हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देर शाम तक दावा किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम की हालत काफी गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे किसी अनजान व्यक्ति ने जहर दे दिया था। एक चैनल की रिपोर्ट की माने तो दाऊद को गंभीर हालत में पाकिस्तान के कराची स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 दिसंबर को खबर आई कि वो पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। हॉस्पिटल के अंदर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। जिस फ्लोर पर दाऊद का इलाज चल रहा है उस फ्लोर पर किसी दूसरे मरीज को नहीं रखा गया है। उस फ्लोर पर सिर्फ अस्पताल के कर्मचारी और दाऊद के परिवार के लोगों को जाने की अनुमति है। और ये रिपोर्ट दाऊद के ही गैंग के सदस्य रहे शख्स की तरफ से आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन के रिश्तेदारों अली शाह पारकर और साजिद वागले से इस मामले में आधिकारिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनसे इस मामले पर ज्यादा जानकारी नहीं लग पाई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं कि दाऊद को लेकर फैलाई जा रही खबर फर्जी है। एक्सपर्ट संदीप नील नाम के यूजर ने लिखा कि दाऊद इब्राहिम की जहर वाली कहानी ISI की तरफ से फैलाई गई गलत जानकारी लग रही है। जैसी कुछ समय पहले ही साजिद मीर को जहर देने की कहानी सामने आई थी। हालांकि इस वीडियो के सामने आने तक किसी भी भारतीय या पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी तो सामने नहीं आई। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इस खबर को सोशल मीडिया के हवाले से ही चलाया जा रहा है। मतलब वहां के बड़े न्यूज चैनल इस खबर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया पर दाऊद की खबर न चलाने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम के लिए काफी कुछ तीखा छापा गया है। रिपोर्ट में दाऊद को 65 साल का भगोड़ा बताया गया है। इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। कुछ वक्त पहले भी चर्चा चली थी कि ग्रैंगीन के कारण कराची के अस्पताल में उसके पैर के 2 उंगलियों को काट दिया गया था। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या दाऊद नहीं रहा? दूसरा सवाल ये कि क्या दाऊद की हालत काफी गंभीर है? रिपोर्ट्स तो लगातार ऐसी ही छप रही हैं। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको याद दिला दें कि मुंबई में साल 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद ही है। धमाके के बाद वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। इसके बाद से कभी उसे पाकिस्तान में रहने की खबर आती है तो कभी कहीं और। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट के लिए न्यूज़बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।